उपमंडल नूरपुर के गांव सुखार भराना के संजीव कुमार 28 वर्षीय ने भारतीय सेना अकेडमी देहरादून से पास आउट होकर न सिर्फ अपने माता पिता बल्कि क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है। कुल पास आउट युवाओं में संजीव का ओवरऑल रैंक 7वां रहा। संजीव कुमार थल सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर आसीन हुए हैं और पूरे गांव में खुशी का माहौल है। संजीव के पिता केबल सिंह मिस्त्री का काम करते हैं, जबकि माता उषा देवी गृहिणी हैं। संजीव का छोटा भाई राकेश अभी नौकरी की तलाश कर रहा है। संजीव कुमार ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई राजकीय उच्च पाठशाला सुखार तथा जमा 2 तक की पढ़ाई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राजा का तालाब से की। संजीव के पिता केबल सिंह, माता उषा देवी, छोटा भाई राकेश कुमार और संजीव के 2 मामा जो कि घर पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि संजीव की उस उपलब्धि पर हमें काफी खुशी हुई है। उन्होंने बताया कि देश की सेवा का जज्बा लिए संजीव कुमार 2010 में 8 डोगरा में सिपाही भर्ती हुए। उन्होंने बताया कि जब संजीव को वहां पता चला कि अगर वो मेहनत करते हैं तो सेना में ऑफिसर भी बन सकते हैं, जिसके चलते उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई भी साथ में जारी रखी। ये संजीव की कड़ी मेहनत का नतीजा ही है जो वे भारतीय सेना अकेडमी देहरादून से पास आउट होकर लेफ्टिनेंट बने हैं। जानकारी के अनुसार संजीव कुमार 12वीं पास करने के बाद पिता के बीमार होने पर आगे की पढ़ाई नहीं कर सके और घर की सारी देखभाल अब संजीव के कंधों पर आ गई थी, लेकिन संजीव ने हार नहीं मानी और अपने खेतों में मेहनत कर सब्जी वगैरह उगाने लग पड़े और बेचने भी लग पड़े। उसी मेहनत और लगन से संजीव आज सब्जी बेचने वाले से देश की रक्षा करने वाला सिपाही बन गया है। हमीरपुर में 5 साल की नेपाली मूल की बच्ची के साथ रेप घटना के बाद परिवार वालों को मिल रही धमकियों के चलते CPIM के द्वारा DC और ASP हमीरपुर को ज्ञापन सौंप कर परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है। इस अवसर पर CPIM के राष्ट्रीय महासचिव कश्मीर सिंह ठाकुर अनिल मनकोटिया की अगुवाई में पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ नेपाली समुदाय के लोगों ने SP अजित सेन ठाकुर से सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई है। वहीं SP अजित सेन ने पीड़ित परिवार के सदस्यों को इस मामले में पूरी निष्पक्षता से काम करने की बात कही। पीड़ित परिवार के सदस्य ने बताया कि SP से मिलकर परिवार की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि SP ने आश्वासन दिया है कि पुलिस नेपाली परिवारों की पूरी सुरक्षा करेगी और हर वक्त सहायता करेगी। उन्होंने बताया कि पहले पुलिस का व्यवहार अच्छा नहीं रहा है और पुलिस थाना में भी अभद्र व्यवहार किया गया। वहीं इस मामले में SP हमीरपुर अजित सेन ठाकुर ने बताया कि CPIM के सदस्यों के साथ पीड़ित बच्ची के परिवारजन ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द पुलिस केस को कोर्ट में पेश करेगी ताकि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिल सके। वहीं केस को रफा दफा करने के लिए पैसे के लेने की बात को SP ने नकारा और पुलिस के किसी भी कर्मचारी ने ऐसा नहीं कहा है। आपको बता दें कि 5 साल की नेपाली बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी व्यक्ति मुख्तियार सिंह पटियाल को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया है और इससे पहले 3 दिनों तक आरोपी पुलिस रिमांड पर रहा है। आरोपी ने गत सप्ताह ही बच्ची को टॉफी देकर अपने कमरे में बुलाकर गंदे मंसूबों को पूरा किया था। वहीं पीड़िता की मां को बच्ची के द्वारा पेट में दर्द होने की बात बताने पर मामला जाहिर हुआ था, जिस पर पुलिस के पास मामला दर्ज हुआ था। सुजानपुर टिहरा में नशा निवारण कैंप का आयोजन पुलिस विभाग द्वारा चिल्ड्रन पार्क में किया गया, जिसकी अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक अजित सेन ने की। उन्होंने बताया कि नशा करने से आदमी को सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है और नशे से पीड़ित व्यक्ति गलत कार्यों की तरफ अग्रसर हो जाता है। यदि नशे से पीड़ित व्यक्ति चोरी करने से भी परहेज नहीं करता है। वहीं उन्होंने बताया कि
नशा ना करें और नशे के कुप्रभावों के बारे में विस्तृत चर्चा की। वहीं उन्होंने बताया कि नशा करने से व्यक्ति की आयु कम हो रही है, जिससे वे क्रिमिनल गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। वहीं उन्होंने माता पिता से भी आग्रह किया कि बच्चों की गतिविधियों के ऊपर नजर रखी जाए, ताकि गलत संगत में ना पड़े। स्थानीय स्कूलों द्वारा नशे के ऊपर बच्चों ने विस्तृत चर्चा की। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वालों को पुलिस विभाग द्वारा इनाम बांटे गए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अर्जित सिंह ठाकुर, विकास खंड अधिकारी मनीष सोनी, तहसीलदार अशोक पठानिया, नगर परिषद अध्यक्ष अशोक मेहरा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।